अक्टूबर को मेरा फर्स्ट डे था यहाँ पे शूट पे एंड बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी कि दो दिन बाद मेरा बर्थडे तो आई एम वेरी हैप्पी लेकिन 15 को आई थिंक यू वर नॉट शूटिंग बट यू हैड कम फॉर समथिंग एंड वी हैड कट हम लोगों ने खाया था पिछले साल भी यही बर्थडे मना था मेरा आप क्या कह रहे थे क्या सरप्राइज प्लान किया आपने आज के दिन को कुछ बहुत हम लोगों ने इतने सरप्राइज प्लान किए मैं क्या ही बताऊँ कैमरा लो वही तो सरप्राइज एंड एक साल की जर्नी के बारे में बात करूँ तो काफ़ी अमेजिंग जर्नी रही है
जो एक्सेप्टेंस मिली है लोगों से आपको, इतना प्यार मिला, कैमरे वालों कितनी खुशी होती है, सेंटर लोग आप लोगों की जोड़ी केमिस्ट्री की मैं बात करूँ काफी कमाल की लगती है ऑन स्क्रीन, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे और एक्सेप्टेंस के बारे में? इतना अप्रिसिएशन, इतना एक्सेप्टेंस मिला है, बहुत ज़्यादा खुशी मिली है क्योंकि एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हर बार जोड़ी नंबर वन में अबीरा आता है, हैशटैग अबीरा 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 हर तरफ अबीरा। दैट टू आई थिंक इन टुडेज़ टाइम एक शो एक साल कंप्लीट हो रहा है, आई थिंक जब हम लोग लास्ट टाइम बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे क्या पता था एक और बार करेंगे दैट, सो इट्स बीन नाइस, इट्स बीन अ फैंटास्टिक फैंटेबलस राइड, प्रिटी सनशाइन। अरे सरप्राइज भाई मैं बात कर, कल होता तो मैं सबक देता लेकिन आज है बर्थडे आ जाए ना कैसे बकूं, तो मतलब अभी तक आपने कुछ सरप्राइज ही नहीं दिया है? नहीं अभी तक जो सरप्राइज दिया है वो कर इससे पूछे क्या मिला है, प्रणाली आपके फैंस जानना चाहते हैं, अर्ली कॉल टाइम लेट पैकअप एंड राइट नाउ भूख लगी हुई खाना तैयार है, दिस इज द सरप्राइज। पर अर्शद मैं बात करूँ इस शो की, मैं बात करूँ इससे पहले जो शो था उन्होंने काफ़ी सालों तक इंडियन टेलीविजन पे राज किया था, आज भी लोग उनकी बातें करते हैं, बट आपकी जब शो की मैं बात करूँ इतना प्यार मिलता है, जब डे वन में आपको ये स्क्रिप्ट नरेट हुई थी तो हम लोग कहाँ स्ट्रेस है, अब कोई और सवाल पूछे प्लीज, चलो नेक्स्ट किसी के बारे में चाहूंगी कि किस तरीके से आपने बर्थडे सेलिब्रेट किया बचपन से, बचपन से बचपन से तो मैं तो घर पे फैमिली के साथ ही सेलिब्रेट करती हूँ, हमारा रात हमारा लंच और डिनर साथ में होता है, ये तो हमेशा पक्का होता है, और पता नहीं आई गेस बट या तेरे फैमिली के साथ बैठ, तो कल रात को इसके घर पे 15,500 लोग थे, हम लोग घबरा गए थे, ठीक है स्कूल फ्रेंड्स मेरे बिल्डिंग फ्रेंड्स मेरे कॉलेज फ्रेंड्स मेरे सारे फ्रेंड्स आए हुए थे, केजी तक के आए थे। अभी तक का बेस्ट बर्थडे क्या कुछ रहा है आपके लिए? मेरे लिए बेस्ट बर्थडे कुछ नहीं बस रात को दोस्त आएंगे के करो सुबह उठो, बट शी डिड यू रीच ऑन टाइम ऑन योर बर्थडे? सुबह सुबह मंदिर गई थी मैं इसलिए मैं उठे आते आते लेट, सुबह सुबह मंदिर भी जाके आई है लेट हो गया, पर मैं ना मैं टाइम पे 10 मिनट्स लेट, सो आज तो माफ़ी होगी और क्या। तो प्रणाली आपने कहा कि आप अभी वर्किंग को फिलहाल आपका बर्थडे, तो शाम का क्या प्लानिंग है आपका, किस तरह से बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे शाम डिफाइन डिफाइन शाम आफ्टर पैकअप यू आर आस्किंग, तो फिर जवाब मिल सकता है शाम तो यही है, आफ्टर पैकअप तो रात हो गई, अब पता नहीं रात का क्या प्लान, उसके बाद डिपेंड करता है आज ही का दिन है या नहीं। हाँ ऐसा 12 बज गए मैं सारे जवाब तुम्हारे तुम ही दो, हम लोग जा रहे हैं बाहर खाने, आई डोंट केयर रात को 12 बजे होता है 1 बजे होता है जो भी होता है, जितने रहेंगे यहाँ पर सब जाएंगे और क्या, हम सारे बिरलास एंड बोइंगास हम सब मिलके जाएंगे। ओके सो फर्स्ट बर्थडे विश किससे एक्सपेक्ट किया था और किसका फर्स्ट बर्थडे विश? फर्स्ट बर्थडे मेरा विश था लाइव पहले रात को 12 बजे, ये 12 बजने वाला है, 12 बजने वाला हैप्पी बर्थडे एंड 12 बज गए इसे खाते हुए हम लोग यहां पर, सो यहां की विश भी थैंक यू सो मच विशेस के लिए, मैंने सुबह से सोशल मीडिया पे देखा काफी लोग विश कर रहे हैं, थैंक यू सो मच लव यू गाइस Thank you. 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 Thank you